आज हम देखने वाले हैं व्याकरण, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या है? सबका नाम। यहाँ पर परिभाषा दी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए, इसके पहले हमने संज्ञा देखी। संज्ञा का मतलब देखा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द यानी क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर उसकी परिभाषा दी है और देखो एक छोटा सा परिच्छेद है, उस परिच्छेद के द्वारा हम समझ लेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, राघव पांचवी कक्षा में पढ़ता है, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वह स्कूल की क्रिकेट टीम का सदस्य भी है। वह समय पर सारे काम करता है। देखिए, यहाँ पर इस परिच्छेद में पूरे राघव के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। देखिए, यहाँ पर पहले वाक्य में ही सिर्फ राघव का नाम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राघव पांचवी कक्षा में पढ़ता है, सिर्फ यहाँ पर ही राघव नाम है, बाकी सब जगह पर आपको राघव नाम दिखाई दे रहा है नहीं। पर राघव के अलावा कोई और उसी के स्थान पर कोई और नाम दिया है और शब्द है, उसके बारे में देखिए। राघव पांचवी कक्षा में पढ़ता है, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किसे पढ़ना अच्छा लगता है? तो राघव को। राघव यहाँ पर शब्द आता, अगर ये शब्द अगर नहीं होता तो यहाँ पर कौन सा शब्द होता? राघव। तो राघव के लिए यहाँ पर उसे शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो शब्द रहते हैं इनको ही सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वह स्कूल की क्रिकेट टीम का सदस्य भी है। तो राघव, राघव के लिए यहाँ पर दूसरा शब्द है वह। वह स्कूल की क्रिकेट टीम का सदस्य भी है। और देखिए, यहाँ पर वह समय पर सारे काम करता है। कौन काम करता है? तो राघव। राघव के स्थान पर यहाँ पर शब्द आ गया है वह। तो ऐसे जो शब्द आते हैं संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम के छह भेद होते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। तो उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इनके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। हम अभी सर्वनाम के पहले भेद के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वनाम के भेद पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी कौन? बोलने वाला, यानी खुद, अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए यह वक्ता। श्रोता यानी कौन? सुनने वाले। श्रोता यानी सुनने वाले। बोलने वाले
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें कर रहे हैं, दो आपस में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहां पर नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वो बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखो मैं, हम, तुम, तुम्हारा, तुमने, वह, वे, उसका, ऐसे जो शब्द रहते हैं वह क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वो लिख कर लो। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, निश्चय पूर्वक यहाँ पर कहा गया है, संकेत किया है कि यह मेरी किताब है ना, किताब उसके है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है निश्चय पूर्वक बता रहा है कि यह किताब उसकी है, यह किताब, यह मेरी किताब है। तो यह निश्चय पूर्वक बता रहा है कि वह वस्तु जो है उसी की है, यह मेरी किताब है। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है कि वह मेरे भाई का मित्र है, तो वह क्या हुआ, निश्चय पूर्वक सर्वनाम हुआ। देखिए इसने ही पौधा तोड़ा है, एक लड़की की तरफ इशारा करके बोला है कि इसने ही पौधा तोड़ा है। देखो इसने ही पौधा तोड़ा है, निश्चय पूर्वक बोला है, इसलिए इसने ही क्या होगा, यह निश्चय पूर्वक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहां पर देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण लिख कर लो। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, पता है क्या गिर गया है, पर कुछ गिर गया है, तो इसलिए किसी चीज का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या गिर गया है, पर सर्वनाम का इस्तेमाल हो गया है, इस इन सर्वनामों को क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आया है, मतलब कोई भी हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या गिर गया है, तो कुछ दूध में कुछ गिर गया है, कुछ यह एक सर्वनाम है, कुछ इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। किसी का बच्चा मेले में खो गया है, किसका खो गया है पता है, किसका बच्चा खो गया पता है नहीं, पर बच्चा तो खो गया है, किसका है पता नहीं, पर यहां पर किसी का बच्चा मेले में खो गया, यहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम है, किसी का बच्चा मेले में खो गया, किसका बच्चा है पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर शब्द आया है किसी का बच्चा मेले में खो गया। कोई बाहर खड़ा है, बाहर कोई तो खड़ा है पर किस उसके बारे में जानकारी है क्या, कौन खड़ा है नहीं, अगर हम पता होता कि राम बाहर खड़ा है, राम दरवाजे के उस पार खड़ा है, बाहर खड़ा है, तो हम उसका नाम लेते, पर हमें पता नहीं है बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, कोई बाहर खड़ा है, कौन बाहर खड़ा है,
संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इन वाक्य में दो दो सर्वनाम होते हैं। पहला सर्वनाम जो होता है उससे दूसरे से संबंध बताते हैं, दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। देखो एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर है, दोनों भी जो सर्वनाम है वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी और वैसी जो दो सर्वनाम है, पहला है जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये दो जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो पढ़ाई करेगा वह सफल होगा। देखिए जो पढ़ाई करेगा वह क्या होगा, सफल होगा। तो जो का संबंध वह से है, जो पढ़ाई करेगा वह सफल होगा। इन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में दो दो सर्वनाम दिए जाते हैं और एक का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है। यहां पर देखिए जिसने बुलाया था वह नहीं आया, जिसने बुलाया था वह नहीं आया, इसमें जिसने और वह यह दोनों एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आप अभी संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो और उसके उदाहरण लिखो। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए उसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द रहता है और वाक्य खत्म होने के बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, तो हमें प्रश्नवाचक शब्द जो है उनको ढूंढना है, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न पूछा है यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या पढ़ रहे हो। दूसरा है दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या प्रश्न पूछा है दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है तो कौन, तो कौन यह क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पर दरवाजे पर कौन खड़ा है उसका नाम अगर होता तो वो क्या कहलाता, संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द आया है, कौन शब्द आया है, कौन यह क्या है एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसीलिए यहाँ पर यह इसे कौन इस शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो तीसरा उदाहरण है तस्वीर किसने तोड़ी, तस्वीर किसने तोड़ी, तो यहाँ पर किसने यह प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न पूछा गया है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आपको समझ में आएगा कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है यह भी आपको नोटबुक में लिखनी है और उनके उदाहरण लिख कर लेने हैं। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, देखो पहला उदाहरण है वह अपने आप ही दादाजी के पास चला गया, अपने आप ही, यहाँ पर देखिए वह के लिए अपने आप ही शब्द आया है, वह अपने आप मतलब खुद दादाजी के पास चला गया, ऐसे जो शब्द रहते हैं अपने आप, तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का मतलब है अपना, अपने लिए, वह अपने आप ही दादाजी के पास चला गया, तो अपने आप यह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। राधा स्वयं की पढ़ लिखी, राधा के लिए स्वयं यह सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो राधा स्वयं की पढ़ लिखी, स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है मैं खुद आ जाऊंगा। देखो खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग हुआ है यह खुद शब्द, मैं खुद आ जाऊंगा। देखो मैं भी एक सर्वनाम है, हमने देखा कि मैं यह किसमें आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, पर इसके साथ साथ
उनके उदाहरण अच्छे से आप उसको पढ़ो।